हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में जो किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और कहाँ पे आप लोगों को स्टॉप लॉसेस टारगेट लगाने, वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे ना दोस्तों, तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है और स्टॉक को अगर मैं एनालाइज करूँ तो प्रीवियसली जो भी इसने रैली दिखाई है दोस्तों, उसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो एक्जैक्टली आप लोग देखोगे 38% वाला एरिया आप लोगों को रिस्पेक्ट होता हुआ दिखता हुआ। इसका मतलब दोस्तों, स्टॉक के अंदर एक और पोटेंशियल बाकी है और मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक एक अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। एक्जैक्टली अपने ट्रैपिंग लेवल के आसपास अपने को मिल रहा है दोस्तों। स्टॉक ट्रैपिंग लेवल का मतलब है कि आप लोगों को एक स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। और अगर अभी बात करूं मैं तो एक्जैक्टली मुझे 370 वाला एरिया, ये पूरा का पूरा एक ट्रैपिंग लेवल वाला एरिया मिल रहा है और एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास ये मिल रहा है आप लोगों को बाय करने के लिए। अगर इसके अंदर बात करें तो बाइंग का मुझे यही सिनेरियो लग रहा है। बाइंग क्लोजिंग भी मिल गई है, रिटेस्ट भी हो गया है, तो इसके अंदर एक बाइंग का अपन सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपना बाय रहेगा। स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों, स्विंग ट्रेड है, आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न भी निकाल के दे सकता है ये स्टॉक। 335 या फिर थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 326 तक आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर 12% का। और अपर साइड में मल्टीपल टारगेट्स है दोस्तों। इसके मल्टीपल टारगेट्स की बात करें तो मैंने इसके अंदर नियर बाय, ये स्टॉक की बात करें तो आप लोगों को मल्टीपल टारगेट दूंगा मैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना नियर बाय 2424 के आसपास, उसके बाद में आप लोगों को ये पूरा एक पूरा जोन आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट टारगेट की तरह थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सेकंड टारगेट की बात करें तो 482 या फिर 488, 490 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन भी मुझे एक निकल के आती हुई दिख रही है इस तरीके से, और ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट अच्छी तरीके से आ गया है दोस्तों, रिटेस्ट भी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक आप लोगों को रिटर्न निकाल के दे सकता है। इस तरीके से एक फ्लैग और एक पोल इसने बनाया है दोस्तों। पोल की बात करें तो आप लोग देखोगे इस तरीके से इसने एक पोल का स्ट्रक्चर भी बना दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और एक अपर साइड आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। थोड़ा सा छोटा ही टारगेट दिया है मैंने, लेकिन स्विंग ट्रेड के हिसाब से अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैच हो रहा है 1:2 का। और अपर साइड की बात करें तो 30% के अपर साइड यहाँ से मैं एक देख रहा हूँ ट्रैपिंग लेवल के ऊपर स्टॉक लकीली मिल रहा है। इसी तरीके के एनालिसिस मैं अपने चैनल के ऊपर लेके आता हूँ, आप लोग देखोगे तो लाइव कंटेंट आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को स्टॉक्स को एनालाइज करना है, उसके अंदर एंट्री लेना है, टारगेट्स लगाने और मल्टीपल टारगेट किस तरीके से चूज करने है। उसके बाद मैं डेली अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को निफ्टी बैंक का निफ्टी का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।